12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्रंबकेश्वर है, तो इसमें सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग जो है वो काशी विश्वेश्वर है। काशी विश्वेश्वर के गर्भगृह में अगर महिलाओं को प्रवेश है तो त्रंबकेश्वर में क्यों नहीं। और ये सिर्फ महिलाओं के साथ ही भेदभाव क्यों किया जाता है, ऐसी कौन सी परंपरा है जो महिलाओं के लिए है। परंपराओं का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो गलत परंपरा है उनको विरोध है। आज महिलाएं वहां बिल्कुल नहीं, पुलिस की तरफ से कोई नोटिस नहीं आई, लेकिन कल नासिक से जो पुलिस आई है, लेकिन वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए आए, पुलिस जो है वो पूरा सपोर्ट कर रही है, अभी तक उन्होंने कुछ नोटिस वगैरह नहीं दिया है। लेकिन आपकी मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात हुई थी, क्या आपको क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने हमें पिछली बार सपोर्ट किया था, और आज भी हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास जो है वो होम मिनिस्ट्री भी है, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो पुलिस बंदोबस्त देके हमें गर्भगृह में प्रवेश के लिए छोड़ना चाहिए। अभी पुणे से हम 150 से 200 महिलाएं निकली है, और आगे नासिक में सिन्नर के बाद सिन्नर नासिक धुले यहाँ से 150 से 200 महिलाएं जुड़ेगी। नहीं, आज डिटेन नहीं किया जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है। अगर डिटेन किया तो महिलाओं का अपमान रहेगा, क्योंकि कल जागतिक महिला दिन है, और अगर डिटेन करने का कुछ प्रयास किया तो सभी पूरी जो जिम्मेदारी है वो सीएम की रहेगी।